हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाव भाजी की रेसिपी, जो बिल्कुल देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, कुकर में हमारी सब्जियाँ डालेंगे। सब्जियाँ आपके पास जो है आप वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है, एक गाजर ली है और एक छोटा सा फूल गोभी का लिया है। उन्हें कट करके डाल देंगे और इसी के साथ हमने चुकंदर लिया है। चुकंदर से इसमें मार्केट जैसा कलर आएगा बिल्कुल। और इसी के साथ हमने आधा कटोरी दाल धोकर डाल देंगे और इसमें हम पानी डालेंगे जितना कि हमारी सब्जियां डूब जाए। और इसी के साथ इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे जिससे सब्जियों के अंदर तक हमारा नमक का टेस्ट चले जाए। और उसको मिक्स करते हुए कुकर को बंद कर देंगे और सीटी के लिए छोड़ देंगे। हमारे कुकर ने सीटी मार दी है। अब हम इसकी गैस को निकाल कर कुकर को खोलेंगे। ये देखिए हमारी सब्जियां अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इन्हें साइड में रख देंगे और अब एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को गर्म होने देंगे और इसी के साथ हम थोड़ा इसमें बटर भी डाल देंगे और दोनों को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा हमारा पक जाता है, उसके बाद हमने दो प्याज लिए हैं जिन्हें कट करके डाल दिया है। इसी के साथ हमने दो से तीन हरी मिर्च लिए, उन्हें भी कट करके डाल दिया है। अब इन दोनों को थोड़ा पकाएंगे और इसी के बाद हमने कुछ लहसुन की कलियां जो कूट कर डाल देंगे। और इसी के साथ हमने दो टमाटर है जिसको भी कट करके डाल दिया है और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मसाले को अच्छे से पकने देंगे। थोड़ी देर बाद हम इसमें दो चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसी के साथ दो चम्मच पिसा हुआ हरा धनिया, एक चम्मच नमक। नमक हमने कम डाला है क्योंकि हमने पहले हमारी सब्जियों में नमक डाल दिया था उबालते टाइम। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच पाव भाजी मसाला डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे सारे मसाले को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। इसी के साथ हमने कुछ मटर्स लिए हैं जिन्हें डाल दिया। मटर को मिक्स करते हुए मटर्स को भी मसाले के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें बीच बीच में मसाले को चलाते रहना है, नहीं तो हमारा मसाला नीचे लग जाएगा। अब हम इसमें हमारी सब्जियां जो हमने बॉईल की थी उन्हें डाल देंगे और इनको मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। हमें सब्जियों का अच्छे से धीरे धीरे मैश करना है। इसमें हमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे धीरे धीरे से मैश करने में। ये देखिए हमारी सब्जियां अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसके बाद अगर आपको लगे कि आपकी भाजी गाढ़ी है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा था कि मेरी भाजी गाढ़ी है तो मैंने इसमें थोड़ा पानी गर्म करके डाल दिया है। आपको पानी गर्म करके डालना जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस ना रुके। और इसी के साथ हम कुछ धनिया की पत्तियां जिन्हें कट करके डाल देंगे और धनिया की पत्तियों को भाजी में मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट और पकने देंगे। और ये देखिए हमारी भाजी अब बनकर रेडी है। अब गैस बंद करके साइड में रख देंगे। अब हम हमारे पाव को सेकेंगे, तो इसके लिए हम एक तवा लेंगे, उसमें बटर डालकर पाव को बीच में से कट करके दोनों साइड से अच्छे से बटर में सेक लेंगे, इस तरीके से जैसे मैं सेक रही हूँ। और जब आपको लगे कि दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए तब इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पाव भाजी बनकर रेडी है। आप इसे सर्व कर सकते हैं जैसे कि मैंने भाजी और पाव और कुछ प्याज की स्लाइस के साथ इसे सर्व कर दिया है। और अब भाजी में ऊपर से बटर डाल के ज़रूर खाइएगा, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे कि मैंने भाजी में ऊपर से बटर डाल के सर्व किया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके से सिंपल सिंपल रेसिपीज़ मैं लाती रहूँ।